तो क्या हाल चाल है मित्रों, मेरा नाम है कबीर और आप देख रहे द लोन वॉन्डरर। क्या तुमको लगा मैं कुछ ऐसा अलग सा इंटरव्यू दूंगा जिसमें मेरा लोगो आएगा? नहीं, ना 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 ना, आज हम सीधा मुद्दे की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज कोई बकवास नहीं, आज हम सीधा टॉपिक पे आते हैं हमारे वीडियो की। तो यार दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है कोई गेम प्ले वीडियो नहीं होने वाला है। अलग सी बात है कि हमारे बैकग्राउंड पे गेम जरूर चलते रहेंगे। तो यार दोस्तों बता देता हूँ आज के वीडियो में हम क्या करने वाले। तो यार आज मैं उन सवालों को जवाब दूंगा जो सन मिरर के हिसाब से सबसे अतरंगी अजीबोगरीब सवाल है आज तक जो इंटरनेट पे पूछे गए हैं। तो यार दोस्तों, तुमको ये वीडियो को जो बोलना है बोलो, फनी, ट्रोल, रिएक्ट, रोस्ट, जो बोलना है बोलो, पर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे सवालों का जवाब दिया, मतलब लोगों के पादने से लेकर हगने तक, लोगों के गे होने से लेकर सेक्स होने तक, मतलब ऐसे सवालों के जवाब दिए यार। आप खुद इन सवालों को पढ़ोगे या सुनोगे कभी तो आपके मन में भी बस एक ही सवाल आएगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो यार बहुत हो गया अब सवाल बवाल, अब सीधा हम छोड़ते हैं हमारा। तो यार दोस्तों, हमारा पहला सवाल पूछा है जेनी दीदी ने, हाउ डू आई आस्क अ क्वेश्चन ऑन याहू आंसर्स, प्लीज हेल्प, आई नीड टू आस्क एन अर्जेंट क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन के अंदर के क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये याहू आंसर से उठाया है। मतलब यार लगता है ये भाई साहब और ये जेनी दीदी किसी ज़माने में एक क्लासमेट हुआ करते थे, पता है क्यों? देख लो खुद ही। मेरी सिलेक्शन हो गई है। हाँ मेरी सिलेक्शन हो गई है। हमारा अगला सवाल पूछा डेस्टिनी मौसी ने, हाउ एम आई श्योर आई एम द रियल मॉम ऑफ माई किड। मतलब यार इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही जीरो है। हमारा अगला सवाल पूछा ग्वेन मौसी ने, मतलब सारे अजीब और अतरंगी सवाल औरतें ही पूछ रही है, देखते क्या पूछा है। कैन आई टेल बाय द स्मेल ऑफ माई हस्बैंड्स गैस इफ ही हैज बीन चीटिंग। यार सुन, नॉर्मल औरतें वो अपने मर्दों के शर्ट में लगे हुए दूसरे औरत के बाल, लिपस्टिक के निशान, एक्स्ट्रा मूवी की टिकट किसके लिए, इतनी देर तक बाहर क्यों थे, इन सब चीज़ों से पता करते हैं चीटिंग। मतलब यार ग्वेन दीदी का दिमाग ही अलग है, इनको लग रहा है इनका पति का अफेयर गुड न्यूज़ के कायरा अडवाणी से चल रहा है जिनके गैस छोड़ने से उनको पता चल जाएगा चीटिंग हो रहा है कि नहीं। सवाल पूछा जेम्स बाबू ने हमारे, हाउ कैन आई टेस्ट इफ माई सन इज गे। मतलब जेम्स बाबू, आपने क्या बचपन में अपने बच्चे का देखा नहीं था क्या? मतलब नहीं, हमारे जो डैन बार भैया है उनको नर्स के एक इशारे से पता चल गया उनके मर्द पे घर आया है, पर आपको अभी भी शक है कि आपका बच्चा मर्द है कि नहीं। तो हमारे रॉबर्ट बाबू से, वाई डस माई स्क्रीन से www.bankbros.com आफ्टर माई सन लीव्स इवन टू ही टेल्स मी ही इज डूइंग इट। मतलब आप बचपन से लेके अपने शादी से होने अपने बच्चे होने तक शरीफ होते तो यार यही होता है। पूछा है हमारे आबीगल जोन्स ने, इफ आई लॉग इन टू माई वर्क ईमेल फ्रॉम माई पर्सनल होम पीसी कैन दे सी मी थ्रू सम सॉर्ट ऑफ कैमरा। वो लोग रहते जो ब्लैक होल के बारे में बोलते रहते ये होएगा वो होएगा ऐसा होएगा, पर आपको पता है कुछ नहीं होने वाला है। अगला सवाल है, आई वॉज बिटन बाय अ टर्टल व्हेन आई वॉज अ यंग लैड, कैन आई स्टिल ड्रिंक ऑरेंज जूस। जिसने भी सवाल पूछा पहले उसके लिए तालियां कि वो कछुए से काटा गया। भाई सुन ले भाई या बहन जो भी है तू, मैं 5 साल की उम्र में बंदर के साथ पॉपकॉर्न खा रहा था उसके बाजू में बैठ के। आज मैं किंगफिशर, बकाड़ी, रॉयल स्टैग, मैकडोवल्स नंबर 1, इंपीरियल ब्लू, हाइनेकेन सब पीता हूँ, कुछ नहीं होता है मेरे को। पूछा है फ्रेंचल दीदी ने, व्हाट हैपेंस इफ यू पेंट योर टीथ व्हाइट विद नेल पॉलिश। मतलब यार ये वही औरतें रहते हैं जिनको लिपस्टिक खाना पसंद रहता है, हमको इनको सवाल देना है। तो फ्रेंचल दीदी, आपके दांत भले
वो हॉल्स वाले भैया से ज़्यादा सफ़ेद हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई आपको फ्लैश लाइट की तरह यूज़ करने की कोशिश करेगा, कसम से कह रहा हूँ, इतनी बास आएगी ना यार, तो मतलब सीधा तोड़ देगा आपका मुंह। पूछा किसी एक्स कुकी ने, डस लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ सन हर्ट योर आईज? Day 2, day 3, day 4. भैया मेरे आँखों को तो कुछ नहीं हुआ यार, पर साले तूने मेरी मोबाइल की बैटरी पूरी ड्रेन कर दी। तुम्हारा दिमाग था वो? विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। अगला किसी औरत ने पूछा, मतलब यार ये सारे अजीबोगरीब सवाल औरतें ही पूछ रही है, हाउ देखते इनका सवाल क्या है। हाउ कैन आई प्रिवेंट माई बॉयफ्रेंड फ्रॉम फाइंडिंग आउट आई पूप? मतलब यार दीदी आपको इतना क्या कोको कोला से ज्यादा सीक्रेट रखना कि आपको बॉयफ्रेंड को पता ही नहीं चले कि आप हकते हो, मतलब नहीं, वाई वाई? अब यार इतना सीक्रेट तो कोको कोला भी नहीं रखते जितना आप रखना चाहते हो अपने हमले को। अगला सवाल है टाइलर भैया से, हाउ टू गेट यूट्यूब कम फ्लेम यू? मतलब यार अगर टाइलर भैया की ये बात सच रहती इस दुनिया में, तो मैं मतलब अभी तक कतई बड़ा स्टार बन गया हूँ तुम सब लोगों से। मैं तो सांप बन गया, अरे साला मैं तो सांप बन गया, सांप बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। नहीं टाइलर भैया ऐसा नहीं होता, आपको खुद का कैमरा निकलना पड़ता है, खुद का कंटेंट सोचना पड़ता है, खुद की गांड घिसड़नी पड़ती है, तब जाके आपका यूट्यूब का कोई वीडियो बनता है। तो यार दोस्तों इसी बात पे यार वो सब्सक्राइब बटन दबा देना यार, उस अपनी नन्ही सी उंगली की जान लेके उस सब्सक्राइब बटन को दबा दो यार, मतलब क्या पैसे लगते हैं क्या सब्सक्राइब बटन दबाने के? यार सब्सक्राइब बटन दबा दो जल्दी से। हमारे किसी क्वेश्चन मार्क भैया ने, हाउ डू आई टर्न ऑफ कैप्स लॉक? मतलब भैया एक काम करो, कैप्स लॉक बटन उखाड़ दो अपने कीबोर्ड से, जहाँ से आप बकते हो उधर लगा दो, और फिर हम करते रहेंगे वहाँ पे ऑन ऑफ, बिल्कुल हमारे इन पीके भैया की तरह ऑन ऑफ ऑन ऑफ। और पूछा हमारे ब्रेंडर दादा ने, आई कॉट माई सन हैविंग सेक्स विद अ गाय एंड आई थिंक ही माइट बी गे, इज देयर अ डेफिनेटिव वे आई कैन टेल? मतलब लगता है इन्होंने नेटफ्लिक्स पे सेक्रेट गेम्स नहीं देखा है। तो ब्रेंडर दादा ये लो 200 रुपये और नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लेना, क्योंकि फ्री का ज़माना चला गया, और उस पर सेक्रेट गेम्स देख लेना। अगला पूछा स्कॉटी बाबू ने, इफ आई ईट माई सेल्फ वुड आई बिकम ट्वाइस एज बिग और डिसअपियर कम्प्लीटली? मतलब यार इसको बाबू बोल के मैंने गलती कर दी। ये सवाल किसी हैवान ने पूछा है, और ये वही हैवान रहते हैं जिनको सब कुछ खाना पसंद है। तो भाई मैं तेको बोलता हूँ यार, तू पहले खुद को खा के बता, नहीं तू खा के बता, फिर देखते तू बड़ा होता है कि डिसअपियर हो जाता है। अगला सवाल पूछा किसी स्टडली भैया ने, माय गर्लफ्रेंड इज प्रेग्नेंट एंड वी डिडंट हैव सेक्स? था वो विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। मतलब पहले तू अपना नाम बदल, स्टडली, मतलब मैच ही नहीं करता तेरे सवाल से, और बेटा समझ ले कि वो भाग गई और तेरा कट गया है। हाउ डू आई टेस्ट टू सी इफ my टर्टल इज gay? ये पूछा किसी पौंदर भैया ने। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। मतलब यार कतई इसके नाम से ही पौन दिख रहा है, खुद ध्यान से देख लो, पौंदर पौंदर। मतलब यार ऐसा क्या असली पन करना कि अपने टर्टल को भी इसको देखना है गे है कि नहीं, नहीं। It's her choice. Of course. Yeah. अगला पूछा लीजी वाटरवर्थ ने, इज इट इलीगल टू किल एन एंट? मतलब मौसी देख लो मेरे घर पे मच्छर कॉकरोच मक्खी मच्छर सब आते हैं और मैं सबको मारता हूँ, और आज तक किसी ने मेरे को अंदर वाले किसी क्वेश्चन मार्क से, आई मेड जीजस शेप पैनकेक्स बट आई बर्न देम, एम आई गोइंग टू हेल? मतलब यार ये वही बच्चे रहते हैं जिनको बचपन में सिखाया जाता है कि भगवान बच्चे देते, लेकिन आप सबको पता है कि बच्चे कैसे होते हैं। अगला सवाल पूछा किसी मेव नाम के इंसान ने,
आर्ट्स के लेटेंट सीरियल और मेडअप के सभी सवाल पूछा है। सुन ले, पहले जितने तेरे शरीर में जितने भी बाल है मैं उन सबको वैक्स करूँगा गोलते तेल से, फिर तेरा पोस्टमार्टम करके तेरा दिमाग से लेके नीचे अखरोट तक जितने भी तेरे पुर्जे वो सब निकाल दूंगा, फिर तेरे को बंद तंदूर में तेरी चमड़ी जला दूंगा, और फिर जब तू पूरे हड्डी के ढांचे की तरह हो जाएगा फिर मैं तेरे को पूछूंगा आर स्केलेटन्स रियल और मेड अप। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी बोला पूछा है सारा दीदी ने। इज इट वियर्ड माई डॉग्स लाइक टू वॉच मी पी, मतलब कति अश्लील कुत्ता है आपका सारा दीदी, कभी हमको भी बुला दिया करो। अगला सवाल है व्हाट एनिमल इज सोनिक द हेजहॉग, मतलब जिस किसी ने भी पूछा ये सवाल वो पक्का कोई मिल गया रोहित का भाई या बहन ही रहेगा, मतलब उसको तो कुछ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगला पूछा है या दिस क्या मालूम .. आर देयर बर्ड्स इन कनाडा। भाई सुन ले, पहले तो तू कनाडा की टिकट कटवा ले और फिर उधर चले जाओ, फिर जब कबूतर और कौवे तेरे पे हगे ना तब पूछना आर देयर बर्ड्स इन कनाडा। किसी कपल ने पूछा है व्हेन डिड 9/11 हैपन, मतलब लगता है इन्होंने आशिया टाइप के की संडे मूवी को ज़्यादा ही देख ली, मतलब उसके कैलेंडर से एक संडे निकल गया था, इनके कैलेंडर से 9/11 निकल गया। अगला पूछा है राइन भैया ने आई वॉन्ट अ न्यू लेटर इन द अल्फाबेट। कई बच्चे रहते हैं जिनको एग्जाम में 99/100 मिल जाता है लेकिन यार फिर भी पूछते मेरे एक मार्क किधर गए, और भाई सुन ले लेटर और अल्फाबेट एक ही होता है, सॉरी अल्फाबेट एक ही होता है, और अल्फाबेट की स्पेलिंग होता है ALPHABET। क्लियर रहेगा यार कैसे अतरंगी अतरंगी सवाल पूछे थे, और ज़्यादातर हमारे औरतों ने ही पूछे थे लेकिन मर्दों ने भी पूछे थे, और आपको पता थे वो मर्द कैसे थे, कतई शरीफ लौंडे थे। तो यार दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, और आप अगर ऐसे ही और रिएक्शन वीडियो चाहते हो तो यार कमेंट कर दो, और किस पे चाहते हो ये भी बता दो। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के लाइक ठोकिए यहाँ पे। देखिए हट साले, चैनल शुरू होने से पहले ही बंद करवा देगा क्या यार। दोस्तों इतने हम 50 लाइक का एम रखते हैं, और यार दोस्तों प्लीज़ दोस्तों अपनी वो नन्ही सी उंगली से थोड़ा सा कष्ट करके वो यार सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा देना, और शेयर भी कर देना अपने घर परिवार वालों से, चाहे वो आपका भाई हो बहन हो माँ बाप हो दोस्त हो गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो जो भी हो यार, शेयर कर देना ये वीडियो को। मीट यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।